प्यारे परमेश्वर, एक बार फिर शुक्रगुजार हैं प्रभु इस स्वर्गीय आशीष के लिए, इस बहुत ही महान कार्य के लिए जो आप प्रत्येक के जीवन में कर रहे हैं। शुक्रगुजार है प्रभु हमारे चर्च मेंबर्स को जो हमारे साथ इस सभा में एकत्रित हैं। शुक्रगुजार है इस शब्द की आशीष के लिए। धन्यवाद यह प्रभु एक बार फिर एक मौका दिया है कि आप आपके वचनों पर अपना ध्यान लगा पाएँ। धन्यवाद देते हैं प्रभु इस शब्द के दौर के लिए, इन पवित्र लम्हों के लिए जो आप हमें सिखाना चाहते हैं। शुक्रगुजार है प्रभु इस आशीष के लिए। खास तौर से विनती है प्रभु चर्च मेंबर्स के लिए, इनके मौजूदगी के लिए, इनके परिवारों के लिए विनती है प्रभु, प्रत्येक घराने पर आपकी आशीष हो। शुक्रगुजार है प्रभु एक बार फिर हमारी अगुवाई कीजिए और अपनी गहरी बातों को हमारे सामने स्पष्ट कीजिए, क्योंकि ये सब हम आपके प्यारे बेटी यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। गुड मॉर्निंग और हैप्पी सावत। गर्मी काफ़ी है, फिर परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और वो हमें इस गर्मी में भी हमें संभाल कर रखा है और तंदुरुस्त रखा है। और जैसा हमने शब्द लेसन में जैसे पढ़ रहे हैं कि ऐसी परेशानी तकलीफ आती है, हम इसमें धीरज और विश्वास में हम बढ़ सकें। परमेश्वर हमें इस गर्मी के मौसम में भी हमें तंदुरुस्ती बनाए रखे और हम इस गर्मी में भी उस गर्मी को सहन करने की ताकत और साहस दे, हिम्मत दे, और इस गर्मी में भी हम आनंद के साथ उसकी स्तुति और महिमा और धन्यवाद करने सकें। अब इस दूसरी सभा में आप सबका स्वागत है। और आज जबकि पास्टर हमारे बीच नहीं है और वहाँ नक्सलवाड़ी चर्च में का एक जन है, उनका बपतिस्मा होना है, तो चलिए हम जितने भी हैं हम परमेश्वर की उपासना कर सकेंगे। हाँ, इससे पहले एक सूचना है कि नेक्स्ट अगले सब्बत को प्रभु भोज का सारावाणी का प्रोग्राम रखा गया है। धन्य है जो मन के भूखे और प्यासे हैं वो टिप किए जाएंगे। हम अपने आप को तैयार करें और उस प्रभु भोज की उस बिहारी में हम सब कोई शामिल हो सकेंगे। तो चलिए आज की सभा को आरंभ करते हुए हम गीत गाएंगे, गीत नंबर 83, गीत नंबर 83, गीत नंबर 83, सब कुछ तुम त्यागो पर बाइबल न छोड़ो। बोलना हो तो हम सब खड़े हो जाएंगे। उसके सबसे सपर दे अपना ध्यान, निश्चिंत को उसके नेम से जगाता, उसमें है जीवन आनंद का भैया। बाइबल न छोड़ो, बाइबल न छोड़ो, बाइबल था
छोड़ो, बाइबल न छोड़ो, बाइबल उजाला से जगती है भक्तों के लिए, है बाइबल दीप, उसे जवान पाप से रुक जाते हैं, जीवन जब प्रष्ट सब घुटनों में आएंगे और परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। पवित्र 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 सुनाओं के हुआ परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, और सबत के दिन के लिए धन्यवाद करते हैं कि हमें इस गर्मी के मौसम में भी हमें इस दिन में तेरे भवन में इकट्ठे होने की अगुवाई की, सहायता की, मदद की, और हम इस दूसरी सभा में इकट्ठे होने सकते हैं। धन्यवाद करते हैं प्यारे पिता प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं तेरे वचन के लिए, शब्द लेशन के लिए, जिसके जरिए से तो हमें सिखाता है, हमें जताता है कि हमें कैसी चाल चलनी चाहिए, हमें धीरज और दया के साथ, विश्वास के साथ बढ़ने चाहिए। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, बीते सप्ताह तो हमारे हरे के साथ रहा, तो हमारी सहायता की, मदद की, हम अपने अपने कामों में व्यस्त रहे, हमारे रास्ता घाट में हमारे संग साथ रहकर तो हमारे रक्षा वाले की हर प्रकार के जोखिम खतरों से, शैतानी हमलों से, पाप बुराई से बचाए रखा। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, जो कुछ भी हम जाने अनजाने तेरी दृष्टि में दोष गुना किए, हमारे तमाम दोष गुनाहों को अपने क्रूस के बाहर लोग हाथी से धो, शुद्ध कर और माफ कर। हम अपने चर्च के तमाम बुजुर्गों के लिए प्रार्थना करते हैं, उनके साथ हो प्रभु जी, खासकर मिस्टर टुडू एंड मिसेस टुडू के लिए प्रार्थना करते हैं, जो इस बुजुर्ग अवस्था में हैं, उनके साथ हो प्रभु जी, शरीर अस्वस्थ होते हैं ऐसे मौसम में, तो उन्हें भी संभाले रख और उनकी सहायता कर, मदद कर, सुध ही ले, तेरी शांति उनके साथ बनी रहे। और जो हमारे चर्च के खंभे हैं प्रभु जी, होने दे, उनके जरिए से हम सब आशीषित हों। हमारे जितने बुजुर्ग हैं उनके लिए प्रार्थना करते हैं, उनके साथ उन्हें संभाले रख। हम अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं जो स्कूल और कॉलेज में अपने जॉब में हैं, उनके साथ हो प्रभु जी, तेरी अगुवाई और सुरक्षा उनके साथ हो, कि तेरे अनुग्रह, डर, भय और भक्ति में होकर जिए चले बढ़े, और तेरे नाम का ऊँचा करते हुए प्रभु जी, विश्वास में बढ़ते हुए परिवार और खानदान के लिए खुशी और शांति आनंद का कारण बने और तेरे महिमा का कांड बने सके। धन्यवाद करते हैं अपने चर्च के उन, अपने कलीसिया के उन तमाम लीडरों के लिए जो नए सिरे से चुने गए हैं, और आगे का जो भी प्रोग्राम है उस पर तेरी आशीष हो, जो भी सिलेक्शन और इलेक्शन होता है उस पर तेरी आशीष हो, कि ऐसे जन चुने जाएं जिसे तेरी कलीसिया के तमाम भेड़े सुरक्षित हों और विश्वास उधरता बढ़ते हुए स्वर्ग कन्यान के लिए तैयार हो सकें। हमें इस सभा को तेरे हाथ में सौंप देते हैं, प्रार्थना करते हैं और मांगते हैं प्रभु जी, आज के वक्ता मिस्टर रूपक के लिए तो अपनी आत्मा का मशा उन्हें दान कर, कि जो कुछ भी बोले तेरी आत्मा और अपकाय में होकर बोलने सके, कि हमारी आत्मा तेरे वचन से तृप्त हो और आशीष की भरपूरी में होकर हम यहाँ से रुक्षत हो सकें। हम सबके साथ हमारे काम धाम पर आशीष दे और तंदुरुस्त रख, हर प्रकार की मुसीबत और परीक्षाओं में बचाए, और उन तमाम हमारे जितने प्यारे गण हैं जो हमारे चर्च के साथ उनका संपर्क या प्रेम में कमी है, तू देखता हो, जानता है उनके पारिवारिक और उनके मानसिक हालातों को जानता है, तो भी उनके गुनाह गलती को माफ कर और होने दे, वो भी तेरे भवन में आकर तेरे महिमा स्तुति धन्यवाद करते हुए
तेरे प्रेम और विश्वास और धन्यता में बढ़ सकें, हमारे हर एक के गुनाह को देखो माफ कर, और आने वाले शब्द के लिए जो प्रोग्राम है उस पर तेरे आशीष हो कि हम सब उस पवित्र विधि में शामिल होकर प्रभु से हम आशीषित हों और आत्मिक तंदुरुस्ती में बलवंत होते चले जाएं। बाकी सभा को तेरे हाथ में सौंप देते हैं, बाकी प्रोग्राम को सब कुछ तेरे जी बल्कि हमारी तमाम जीवनी को तेरे हाथ में सौंप देते हैं। तेरे अनुग्रह दया और आशीष में होकर हम जीवन व्यतीत करने सके मांगते हैं, सब कुछ तेरे बेटे यीशु के नाम में सुनो स्वर्गराज में ग्रहण कर, आमीन। शुक्रगुजार हैं पादरी साहब के और ख़ास तौर से परमेश्वर के, बार बार हम शुक्रगुजार हैं कि परमेश्वर हमें मौका देते हैं उनके वचनों पर अपना ध्यान, ताकि हम अपने उनके वचनों पर अपना ध्यान लगा सकें। मैं आज चिंता पर काबू पाने के लिए, चिंता पर काबू पाने के बारे में बात करना चाहता हूँ। आज पूरी दुनिया में लगातार भय और चिंता में लोग जी रहे हैं, और ज़ाहिर है जब हम चारों ओर देखते हैं कि दुनिया में क्या हो रहा है, लोगों के डरने और चिंता होने के कई कारण हैं। हम अंत के दिन में जी रहे हैं और यीशु ने अपने वचन में कहा था कि अंत के दिनों में लोगों का दिल डर के मारे गिर जाएगा। तो आइए पढ़ते हैं लूका 21:26, लूका 21:26 इसमें लिखा हुआ है, भय के कारण और संसार पर आने वाले घटनाओं की बांट देखते देखते लोगों के जी में जी ना रहेगा, क्योंकि आकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगी। और अंग्रेजी में इस तरह लिखा है, पीपल विल फेंट फ्रॉम टेरर। इसका मतलब ये है कि लोग आतंक से बेहोश हो जाएंगे, और आज हम यही देख रहे हैं। आज दुनिया में बहुत डर और चिंता है, लेकिन मेरा मानना ये है कि ईश्वर नहीं चाहते कि हम भय और चिंता से भर जाएं, क्योंकि भय ईश्वर की ओर से नहीं है। परमेश्वर लोगों के मन में भय और चिंता नहीं रखते। अब जानते हैं, शुरुआत में जब परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया था, तो वे परमेश्वर के प्रेम में पूरी तरह सुरक्षित थे। आदम और हवा जानते थे कि परमेश्वर उनकी रक्षा करेंगे, परमेश्वर उनका प्रदाता थे, मतलब प्रोवाइडर, परमेश्वर उनका मित्र थे, परमेश्वर उनका चंगा करने वाले थे, और परमेश्वर वो सब कुछ था जिसकी उनको आवश्यकता थी। किसी बात को लेकर चिंतित या तनावग्रस्त होने या किसी से डरने की कोई ज़रूरत नहीं थी। वे डर को नहीं जानते थे, लेकिन जब उन्होंने पाप किया तो सब कुछ बदल गया। आदम और हवा परमेश्वर की उपस्थिति से अलग हो गए, और तभी भय आ गया। आइए पढ़ते उत्पत्ति तीन नौ से दस। यहाँ इस तरह लिखा है, यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर पुरुष से पूछा, तुम कहाँ हो? पुरुष ने कहा,
मैं बाग में तेरे आने की आवाज़ सुनी, मैंने बाग में तेरी आने की आवाज़ सुनी और मैं डर गया। मैं नंगा था इसलिए छिप गया। ये आदम और हवा के पाप करने के बाद बात कहता है। वे परमेश्वर की उपस्थिति से भागे। उन्होंने महसूस किया कि वो नंगे थे और बाइबल हमें बताती है कि उन्होंने अंजीर के पत्तों से कपड़े बनाए और वे भगवान की उपस्थिति से छिप गए और इसलिए भगवान उनकी तलाश में आए। और पद 9 में यहाँ कहता है कि यहोवा ने आदम को बुलाकर कहा कि तू कहाँ है, और उन्होंने कहा मैं बाटिका में तेरी सुन ली और मैं नंगा था इसलिए डर गया, इसलिए मैं छिप गया। और यहाँ बाइबल में पहली बार लिखा है उत्पत्ति 9:10 में डर या भय का शब्द का पहली बार इस्तेमाल हुआ है बाइबल में उत्पत्ति 9:10 में। इससे पहले आदमी डर को नहीं जानता था। यह डर तब आया जब आदम ने पाप किया, वो दंड से भयभीत हो गया और आत्मचेतन हो गया, वो असुरक्षित हो गया और अकेला महसूस करने लगा। वो अपने परिवेश के प्रति संवेदनशील हो गया क्योंकि वह ईश्वर की उपस्थिति से अलग हो गया था। बाइबल कहती है कि आदम के कारण पाप ने हर व्यक्ति को संक्रमित कर दिया और उस समय से मनुष्य भय के साथ जी रहा है। आज दुनिया में इतना डर है, कहते हैं कि लोगों में डर के लगभग 7,000 फोबियाज हैं। अंधकार का भय, ऊंचाई का भय, युद्ध का भय, भविष्य का भय, मृत्यु का भय और बहुत सारे भय हैं। दुनिया में बहुत सारे फोबिया हैं और यही चीज़ें हैं जो लोगों को चिंतित कर रही है। लेकिन अगर आप परमेश्वर के संतान हैं तो आपको समझना चाहिए कि परमेश्वर ने आपको पाप के श्राप से छुड़ाया है। अब हम अपने सृष्टिकर्ता परमेश्वर के साथ एक प्रेमपूर्ण संबंध में वापस आ गए हैं और परमेश्वर रोज़ कह रहे हैं डरो मत क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। ये जानना दिलचस्प है कि विद्वानों का कहना है कि बाइबल में लगभग 365 डरो मत है। मैंने खुद गिनती तो नहीं की है लेकिन ये सब बताया गया है फियर नॉट्स, जो डरो मत, ये बाइबल में 365 बार लिखा गया है। तो मैंने सिर्फ गूगल में सर्च किया कितने बार लिखा हुआ है और ये रिजल्ट आया है। तो हम भय और चिंता से पूरी तरह से मुक्त हो जाएं, यही परमेश्वर चाहते हैं। आइए पढ़ते हैं रोमियो 8:15 में बाइबल कहती है क्योंकि वह आत्मा जो तुम्हें मिली है तुम्हें फिर से दास बनाने या डराने के लिए नहीं, बल्कि वो आत्मा जो तुमने पाया है तुम्हें परमेश्वर की संपालित संतान बनाती है, जिससे हम पुकार उठते हैं हे अब्बा हे पिता। तो ये आत्मा जो है, जो हमें मिली है, ये हमें परमेश्वर की संपालित संतान बनाती है। संपालित का अर्थ मुझे मिला नहीं, जब मैंने ढूंढा
गूगल में, लेकिन जब अंग्रेज़ी में हम पढ़ते हैं तो ये अडॉप्टेड बता रहा है, तो हम परमेश्वर के अडॉप्टेड संतान बन जाते हैं जब हमें परमेश्वर की आत्मा मिलती है। तो भय भी एक आत्मा है, भय एक बहुत बुरी आत्मा है, और इसे बंधन की आत्मा भी कहा जाता है। भय आपको बांधेगा, भय आपको पंगु बना देगा। यदि आप उसे मौका देते हैं तो ये आत्मा आपको अच्छी तरह काम करने और जीवन के साथ आगे बढ़ने से रोक देगा। डर आपका स्वास्थ्य चुराएगा, यह आपका समय चुराएगा, यह आपका आनंद चुराएगा, यह आपकी शांति चुराएगा, यह आपका लूट करना यह आपको लूट लेगा। डर आपके काम और नौकरी और आपके रोज़मर्रा के जीवन में हस्तक्षेप करेगा। यह आपका वह करना बंद कर देगा जो आपको पसंद है। डर और चिंता आपके सपने चुरा सकते हैं, लेकिन परमेश्वर चाहते हैं कि हम इन सब चीज़ों से मुक्त हो जाएं। इसलिए भगवान ने हमें फिर से भय के बंधन की भावना नहीं दी है, लेकिन उन्होंने हमें शांति और प्रेम और स्वस्थ मन दी है। इसलिए पवित्र शास्त्र कहता है, मनुष्य पृथ्वी पर जो कुछ होने वाला है उसके भय और चिंता से बेहोश हो जाएंगे। और इंटरनेट में ये कहते हैं कि भारत में लगभग 1 करोड़ लोग हर साल एंजाइटी अटैक से पीड़ित होते हैं, पैनिक अटैक जैसे विभिन्न प्रकार के चिंता हमले होते हैं। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर यानी अचानक विचार या किसी चीज़ के बारे में किसी चीज़ को बार बार करने की इच्छा होना, और इसे हम नियंत्रित भी नहीं कर सकते। और चरम मामलों में, एक्सट्रीम केस में, हम लोग देखते हैं कि कुछ लोग कुछ तेज़ वस्तु से अपने आप को काटते हैं, और वो अपने आप को नियंत्रित भी नहीं कर सकते। एंजाइटी डिसऑर्डर का एक और अन्य रूप है पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर है, और ये तब होता है जब कोई व्यक्ति अतीत की घटनाओं के कारण चिंता का शिकार होता है। वे सोचते हैं कि जो चीज़ें उनको पहले हुई थी वो आगे भी चलकर हो सकती हैं, शायद कुछ दुर्घटनाएं या किसी प्रियजन की मृत्यु या कोई दर्दनाक हादसा हुआ हो, और फिर वो उन चीज़ों के बारे में चिंतित हो जाते हैं। इसे पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर भी कहते हैं। और फिर आता है सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर, ये तब होता है जब कोई व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा आत्म जागरूक महसूस करता है, और वो दूसरे लोगों के बारे में सोचते हैं कि वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे, और वो दूसरे लोगों से बात करने में हिचकिचाते हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि कोई उन्हें जज कर रहा है, और वे इन बातों को लेकर नर्वस और चिंतित महसूस करते हैं। और सबसे आम बात जो हम आज सुन रहे हैं वो है पैनिक अटैक। जब लोग पैनिक अटैक का अनुभव करते हैं उनकी सांस फूलने लगती है, कुछ लोगों के दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं, उन्हें डूबता हुआ एहसास होता है, और वो पसीने से तर हो जाते हैं, अपने हाथों और पैरों में सुन्न या झुनझुना महसूस करते हैं।
और ये पैनिक अटैक जो है कभी भी हो सकता है, और इसलिए वो अपने आप को असुरक्षित महसूस करते हैं, इसलिए वो निरंतर भय में रहते हैं। और कुछ लोग तो अपने घरों से भी निकलने में डरते हैं, क्योंकि ये पैनिक अटैक जो है वो कभी हो सकता है। ठीक इसी तरह शैतान चाहता है कि हम लगातार डर से जिएं और हम उस तरह कार्य ना कर पाएं जिस तरह से परमेश्वर चाहते हैं कि हम काम करें। और ये भगवान का नहीं है, और भगवान हमें मुक्त करना चाहते हैं। भगवान चाहते हैं कि हम अपनी जीवन पूरी तरह से चिंता मुक्त, तनाव मुक्त जिएं, और वह चाहते हैं कि हम निडर खुशहाल जीवन जिएं। तो अगर आज आप ऐसा व्यक्ति हैं जो इस तरह से गुज़र रहे हैं, तो मुझे विश्वास है कि ईश्वर आपको इन चीज़ों से मुक्ति दिलाना चाहते हैं। भगवान ने हमारे शरीर को चिंता और डर और तनाव में जीने के लिए नहीं बनाया है, इसलिए कई बार सुसमाचार में यीशु ने कहा है कि चिंता मत करो। बार बार बाइबल कहती है डरो मत, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे शरीर को हर समय भय का अनुभव करने के लिए नहीं बनाया है। ईश्वर ने हमें प्रेम, शांति और विश्वास के वातावरण में रहने के लिए डिज़ाइन किया है। इसलिए अगर लगातार भय और चिंता में रहते हैं लोग, तो उनको भूख भी नहीं लगती है, और तब लोगों को रक्तचाप यानी कि ब्लड प्रेशर, गंभीर सिरदर्द का अनुभव होता है, लोगों को हृदय की समस्याओं का अनुभव होता है, यहाँ तक कि मधुमेह यानी डायबिटीज़ भी होती है। डर इंसान के शरीर में कैंसर का कारण भी हो सकता है, और परमेश्वर नहीं चाहते कि उनके बच्चे इन सब बातों से पीड़ित हों। बाइबल कहती है परमेश्वर चाहते हैं कि आप सब बातों में उन्नति करें, और जैसे आपका प्राण भी तरोताज़ा रहे वैसे आपका स्वास्थ्य भी रहे। ईश्वर चाहते हैं कि आप संपूर्ण आत्मा, आत्मा और शरीर बने। और आइए पढ़ते हैं फिलिप्पियों 4:6-7। इसमें इस तरह लिखा है, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारी निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगा। इसलिए बाइबल हमें बताती है कि किसी बात की चिंता ना करें। जब आप ऐसे करते हैं तो परमेश्वर आपके दिल की रक्षा करेंगे, वो आपके दिमाग की रक्षा करेंगे। ये बहुत स्पष्ट है कि डर भगवान से नहीं है, और अगर ये भगवान से नहीं है तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि ये कहाँ से आ रहा है। ये शत्रु से आ रहा है, और शैतान आपके दोस्त नहीं है। वो आपके जीवन को दुखी करना चाहता है। वो आपकी शांति, आपका आनंद, आपका स्वास्थ्य चुराना चाहता है, और आपके दिमाग पर हमला करना चाहता है। लेकिन भगवान ने पहले ही हमारे लिए बचने का रास्ता बना लिया है, और वो क्या है? भगवान की शांति शत्रु से। और ये जो है भगवान की शांति आपकी, आपके मन को रक्षा करेगी, और ये ईश्वर की शांति, इसे ईश्वर की शांति कहते हैं, जो सभी
समझ से परे है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि स्वाभाविक रूप से अपने आसपास देखकर आपको पागल हो जाना चाहिए। स्वाभाविक रूप से आपको चिंतित होना चाहिए। आप कहेंगे सब कुछ ख़राब है, मेरे पास इस चीज़ की कमी है, मेरे पास ये नहीं है, ये सब गलत हो रहा है। आप कहोगे ये सब ख़राब है, मेरे पास पैसों की कमी है, व्यवसाय जो है वो भी फेल हो रहे हैं, बीमारी होती है, आपके चार और समस्याएं हैं। और स्वाभाविक रूप से आपको चिंतित होना चाहिए। और आपको तनाव होना चाहिए। लेकिन आप में कितने लोग जानते हैं कि भगवान की शांति अलौकिक है? अलौकिक मतलब अंग्रेजी में कहते हैं सुपर नेचुरल। आपके चारों ओर तूफान हो सकते हैं, लेकिन भगवान की शांति सभी समझ से परे है। और भगवान की शांति जो है सभी पागलपन के बीच आप में भगवान की शांति आपके मन को रक्षा करती है। आपका दिमाग जो है युद्ध का मैदान है, और दुश्मन सबसे पहले आपके दिमाग में हमला करता है। आपके दिमाग में ही लड़ाई जीती या हारी जाती है। ये एक मानसिक स्वास्थ्य का मुद्दा है। दुश्मन आपके दिमाग पर चिंता से हमला करता है, लेकिन भगवान चाहते हैं कि आपकी दिमाग स्वस्थ रहे। एक स्वस्थ मन एक शांत मन है, और ये ईश्वर से आता है। इसलिए मैं आज कुछ पॉइंट आपसे के साथ साझा करना चाहता हूँ। यदि आप इनको अपने जीवन में लागू करते हैं तो आप तूफानों के बीच शांति का अनुभव करेंगे। जब ऐसा लगता है कि आपको चिंतित होना चाहिए तो शांति आपके दिल की रक्षा करेगी। तो तीन चीज़ें जो मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूँ, उनमें से पहला जो है वो प्रार्थना है। और इसके बारे में हम सुबह ही पढ़ चुके हैं सबक स्कूल में, तो इसको समझने में उतनी मुश्किल नहीं होनी चाहिए। तो आइए पढ़ते हैं फिलिप्पियों 4:6-7। तो मैं आपके सामने पढ़ देता हूँ, आपका खुलना हो गया तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। फिलिप्पियों 4:6-7। किसी भी बात की चिंता मत करो। मेरे ख्याल से ये पढ़ चुके हैं पहले भी। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। तो पहला पॉइंट जो मैंने बोला आपको जो है प्रार्थना, ये जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। बहुत लोग समझते हैं कि प्रार्थना जो है भगवान से कुछ मांगना होता है, या भगवान से भीख मांगना होता है, और अगर हम ऐसे भीख मांगते रहे तो शायद भगवान को हम पर दया आए। लेकिन ये सच नहीं है, वो प्रार्थना नहीं है। परमेश्वर हमसे इतना प्रेम करते हैं कि हमारी प्रार्थनाओं को सुनना और उनको उत्तर देना चाहते हैं। और यदि हम उनकी इच्छा के अनुसार प्रार्थना करेंगे तो वो हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर ज़रूर देंगे। यीशु ने हमें उनके पास आने के लिए कहा है। अपने बोझ को लाओ, अपनी ज़रूरतों को लाओ, अपने दुखों को लाओ,
अपने दर्द को लाओ और मैं तुम्हें चंगा दूंगा और मैं तुम्हें आराम दूंगा। तो ये बातें यीशु मसीह ने कही हैं। कई बार हम अपनी खुशी शांति खो देते हैं, हम बेवजह चिंता को सहते हैं क्योंकि हमने प्रार्थना के बारे में गलत तरीके से सीखा है, क्योंकि हम सोचते हैं कि प्रार्थना जो है भीख मांगना होता है। लेकिन नहीं, प्रार्थना जो होता है वो है भगवान की उपस्थिति में जाकर उनके साथ संवाद करना। और अपने दिलों को, अपनी समस्याओं को उनके साथ साझा करना, इसे कहते हैं प्रार्थना। और हम उनकी शांति और उनके आनंद प्राप्त करते हैं, यही है प्रार्थना। इसलिए परमेश्वर कहते हैं कि किसी बात की चिंता ना करो, केवल प्रार्थना और विनती ही करो और धन्यवाद के साथ अपनी विनती परमेश्वर पर प्रकट करो। यदि आप किसी भी चीज़ के बारे में चिंतित महसूस करते हैं, अपने स्वास्थ्य, व्यवसाय, भविष्य के बारे में, इसे प्रार्थना के रूप में लें। फ़ोन लेकर अपने दोस्तों या पड़ोसियों को फ़ोन करने के बजाय आप भगवान की उपस्थिति में जाएं और प्रार्थना में परमेश्वर की उपस्थिति में जाकर हम उनकी आराधना करते हैं और जो कुछ उन्होंने हमारे लिए किया है उनके लिए हम धन्यवाद करते हैं। तो आइए पढ़ते हैं पत्रस एक, पहला पत्रस 5:7, पहला पत्रस 5:7, इसमें इस तरह लिखा हुआ है, अपनी सारी चिंता उस पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। तो यहाँ परमेश्वर नहीं चाहते कि आप अपनी चिंताओं को लेकर घूमें। इसमें साफ लिखा हुआ है अपनी सारी चिंता उस पर डाल दो। वो कहते हैं कि मैं तुम्हारी चिंता को ले जाऊंगा और आप एक चिंता मुक्त निडर जीवन जीते हैं। और जब आप प्रार्थना करते हैं और अपनी सारी चिंता यीशु पर डाल देते हैं तो ऐसा होता है, अचानक परमेश्वर की शांति आपके दिल में भर जाती है। और परमेश्वर की शांति बस आपके मन और आपके दिल को शांत कर देती है। और इसलिए जब आप प्रार्थना करते हैं और प्रार्थना करने के बाद आप अगर अभी भी परेशान हैं तो हो सकता है कि आपने सही तरीके से प्रार्थना नहीं किया है, शायद अपने विश्वास के साथ प्रार्थना नहीं की है। आप अपनी सारी परेशानियों को यीशु में डाल दो और अचानक भगवान की शांति आपके दिल में भर जाएगी। भगवान की शांति आपके मन और आपके दिल को शांत करती है। और इसलिए जब आप प्रार्थना करते हैं और फिर भी आप परेशान होते हैं तो हो सकता है आपने सही तरीके से प्रार्थना नहीं की है। तो विश्वास के साथ आप प्रार्थना कीजिए। इसलिए प्रार्थना करना सीखें और प्रार्थना करते समय परमेश्वर पर भरोसा करना सीखें। तो ये था मेरा पॉइंट नंबर एक। तो आइए देखते हैं पॉइंट नंबर दो। तो पॉइंट नंबर दो है, अपनी मन को संभालें। तो आपका मन जो है बहुत ही शक्तिशाली चीज़ है। आप अपने दिमाग से अपने विचारों को संसाधित करते हैं, मतलब प्रोसेस करते हैं और उसके बाद आप अपना निर्णय लेते हैं क्या करना है। तो दिमाग जो है बहुत ही शक्तिशाली चीज़ है। आपका दिमाग जो है एक
नियंत्रण कक्ष है, जैसे कंट्रोल रूम होता है वैसे ही है आपका दिमाग। आपके दिमाग में जो चल रहा है वो आपके जीवन के हर पहलू को प्रभावित करता है, चाहे अच्छे के लिए या बुरे के लिए। ये आपके स्वास्थ्य को प्रभावित करता है, ये लोगों के साथ, प्रियजनों के साथ आपके संबंधों को करता है प्रभावित। ये आपके काम और आपकी नौकरी की गुणवत्ता को प्रभावित करता है, और इसलिए ये आपके वित्त को भी प्रभावित करता है। हमारे दिमाग आपके जीवन के हर पहलू को करता है प्रभावित। इसलिए बाइबल कहती है, जैसे मनुष्य अपने मन को सोचते हैं, जैसे मनुष्य अपने मन में सोचते हैं वैसे ही वो भी होता है। तो शैतान ये जानता है और इसलिए वो आपके दिमाग पर हमला करता है, इसलिए वो आपके दिमाग पर कब्जा करने के लिए तैयार रहता है। तो इसलिए आपको अपने दिमाग को नियंत्रण करना चाहिए, और वो अगर, क्योंकि अगर आप आपके दिमाग को नियंत्रण कर सकते हैं तो आपके जीवन, आप अपने जीवन को भी नियंत्रित कर सकते हो। इसलिए सबसे पहले जो है अपना दिमाग की रक्षा करना बहुत ही ज़रूरी है। और दुश्मन जो है वो सच कभी बोलता नहीं है, शैतान हमेशा झूठ बोलता है, और यदि आप उसके झूठ पर विश्वास करते हैं तो परिणाम ये होगा, भय, आप डर में जिएंगे। इसलिए जब आप डर का अनुभव करेंगे तो आप अपने विचारों को जांच लें, क्या आपको झूठ सुन रहे हैं, क्या आप दुश्मन के झूठ का मनोरंजन कर रहे हैं, क्योंकि शैतान जो है अपने झूठ के माध्यम से ही भय लाता है। चिंता असुरक्षा की भावना है जो आपको बेचैन, चिंतित और नर्वस बनाती है, और आप सभी जानते हैं कि ये शुरू होता है दिमाग से, ये भय जो है शुरू होता है दिमाग से। और ज़्यादातर समय हम अपना समय गुजारते हैं ये सोचकर कि क्या होगा अगर मैं फेल हो गया, क्या होगा अगर मेरे पास पैसे नहीं होंगे, क्या हो गया अगर मैं मर गया, क्या हो गया अगर मैं बीमार हो जाऊं, क्या होगा अगर मैं दूसरों के सामने मूर्ख बन जाऊं, क्या होगा अगर मेरे ऊपर सब हंसें। जब आप इन विचारों का मनोरंजन करते हैं, ये क्या अगर, तो आप चिंतित महसूस करते हैं। और ये क्या होगा अगर, सबसे पहली बात तो ये है कि ये वास्तविक भी नहीं है, ये असल भी नहीं है, ये सिर्फ हमारी कल्पनाओं में आती है, ये वास्तविक नहीं है। तो इस प्रकार शत्रु जो है हमें झूठ बोलता है, इस प्रकार शत्रु हमारे मन को नियंत्रित करने का प्रयास करता है। तो भय और चिंता का मुकाबला करने का सबसे अच्छा तरीका और सबसे अच्छा हथियार परमेश्वर के वचन की सच्चाई है। यीशु ने कहा, और तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा, यूहन्ना 8:3। तो आइए पढ़ते हैं दूसरा तिमोथियुस 1:7। यहाँ लिखा हुआ, क्योंकि परमेश्वर ने हमें जो आत्मा दी है वो हमें कायर नहीं बनाती बल्कि प्रेम, संयम और शक्ति से भर देती है। यह इसलिए कि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं परंतु सामर्थ्य, प्रेम तथा आत्मा अनुशासन का मन दिया है। यह है दूसरा तिमोथियस 1:7। तो परमेश्वर ने हमें जो आत्मा दी है वो जो है हमें प्रेम से और शक्ति से भर देती है।
तो आपका दिमाग जो है हर रोज़ हज़ारों विचार, आपके दिमाग में हर रोज़ हज़ारों विचार आते हैं और आप चुन सकते हैं कि किन विचारों का मनोरंजन करना चाहिए और किन विचारों का मनोरंजन नहीं करना चाहिए। वास्तव में ये चुनाव जो है आप कर सकते हैं। आप अपने पास आने वाले हर विचार का मनोरंजन नहीं करना चाहिए, और अगर आप हर विचार का मनोरंजन करते हैं तो आपको होती है घबराहट। तो आपको होना चाहिए सतर्क, आपको सतर्क रहना होगा और आपको अपने दिमाग पर ध्यान देना होगा। तो कुछ विचारों को आपको स्वीकार अस्वीकार कर देना चाहिए। तो आइए एक और पढ़ते हैं बाइबल में जो लिखा हुआ है, नीतिवचन 4:23। इसमें लिखा हुआ है, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। तो मन की रक्षा जो है हमें करना बहुत ज़रूरी है। मन, नीतिवचन 4:23 इसमें लिखा हुआ है। तो मन जो है ये आपका सबसे गहरा हिस्से के बारे में बात कर रहा है, और मन जो है आपके विचारों और भावनाओं को, जैसे मैंने पहले कहा था, जो मन जो है आपका विचार और भावनाओं को संसाधित करता है, मतलब प्रोसेस करता है। तो बाइबल आपको बताती है कि अपने उस हिस्सा की रक्षा करें, मन की रक्षा करें, अपने दिल की रक्षा करें, और किसी भी विचार का मनोरंजन ना करें। अगर वो सच नहीं है तो उसको आप खारिज कर दीजिए। तो उदाहरण के लिए परमेश्वर आपको ये नहीं कहेंगे कि आप मरने वाले हैं। भगवान आपके मन में ऐसे विचार कभी नहीं देंगे। भगवान ऐसे आपको कभी नहीं कहेंगे कि आप एक निराश व्यक्ति हैं, आपको आत्महत्या कर लेनी चाहिए। भगवान आपसे कभी नहीं कहेंगे कि आपके जीवन में कोई आशा नहीं है। भगवान आपसे कभी नहीं कहेंगे कि आपका भविष्य जो है अंधकारमय है। भगवान कहते हैं कि उनके पास आपके लिए एक उज्जवल भविष्य है, इसलिए आपको सच्चाई जानने की ज़रूरत है। और बाइबल जो है परमेश्वर के वचन की सच्चाई है, और इसलिए आपको सच्चाई का पता होना चाहिए। आपको बाइबल पढ़नी चाहिए और पता लगाना चाहिए कि परमेश्वर आपके बारे में क्या कहते हैं, तो आप जानेंगे कि क्या सोचना है और क्या नहीं सोचना है। यह बहुत महत्वपूर्ण है। और वैसे अगर आप देखेंगे दुनिया में क्या हो रहा है, हर बार आप देखते हैं कि बुरी खबरें आती रहती हैं। अखबार में देखोगे आप, न्यूज़ में देखोगे, बुरी खबरें हर समय आपकी सोच को बुरी कर देती हैं और आपको घबराहट होती है, आप तनाव में रहते हैं। तो यदि आप केवल यह सुन रहे हैं कि दुनिया में शैतान क्या कर रहा है, तो आप निश्चित रूप से डर जाते हैं। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको दुनिया में क्या हो रहा है उससे जागरूक नहीं होना चाहिए, लेकिन आपको परमेश्वर के वचन में गुणवत्तापूर्ण समय बिताना चाहिए। अपने हृदय को परमेश्वर की वचन की सच्चाई में से भर दें और आपके दिल की रक्षा करेंगे। तो आइए फिर से पढ़ते हैं फिलिप्पियों 4:8। बाइबल फिर कहती है फिलिप्पियों 4:8 में, तो मैं पढ़ देता हूँ आपके लिए। निदान हे भाइयों, जो बातें सत्य है, जो बातें आदरणीय हैं, और जो बातें उचित है, और जो बातें पवित्र हैं, और जो बातें सुहावनी है, और जो बातें मनभावनी है, निदान जो सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, उन्हीं पर ध्यान लगाया करो। तो दूसरे शब्द में बाइबल साफ साफ कहती है कि शैतान के झूठ या शैतान दुनिया में क्या कर रहा है, इस बारे में सोचने
में आप अपना समय बर्बाद ना करें। अपने दिमाग का उपयोग यह सोचने के लिए करें कि परमेश्वर क्या कर रहे हैं और परमेश्वर आप में क्या करना चाहते हैं। उन सभी चीज़ों के बारे में जो परमेश्वर आपसे वादा किया है, उन्हीं बातों पर विचार करें। हमारा झुकाव जो है हमेशा होता है ऐसा है कि नकारात्मक विचारों को सोचने में होता है। हम नेगेटिव सोचने में हमारा दिमाग जो है उस तरफ चले जाता है। लेकिन लेकिन अगर आप परमेश्वर के संतान हैं तो इस बारे में सोचें कि आप मसीह में कौन हैं। सोचें कि परमेश्वर ने आप से क्या प्रतिज्ञा की है। इस बारे में सोचें कि परमेश्वर आपके जीवन में क्या करना चाहते हैं। परमेश्वर के वचन पर विचार करें, इन बातों पर विचार करें। यदि आप इन बातों पर विचार करेंगे तो आप चिंता मुक्त हो जाएंगे और आप भय से भी मुक्त हो जाएंगे। तो ये था मेरा दूसरा पॉइंट। तो दूसरा पॉइंट था अपने मन को संभालें। और मेरा आखिरी पॉइंट जो है वो है विश्वास करें कि ईश्वर आपसे प्यार करते हैं। तो आइए पढ़ते हैं यूहन्ना, पहला यूहन्ना 4:16। पहला यूहन्ना 4:16 इसमें इस तरह लिखा है, इसलिए हम जानते हैं कि हमने अपना विश्वास उस प्रेम पर टिकाया है जो परमेश्वर में हमारे लिए है। परमेश्वर प्रेम है और जो प्रेम में स्थित रहता है वो परमेश्वर में स्थित रहता है और परमेश्वर उसमें स्थित रहता है। तो पहला यूहन्ना 4:16। तो इसलिए बाइबल कहती है जाने और विश्वास करें कि परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं। तो आपको दिमाग में केवल ये जानकारी रखना काफ़ी नहीं है। आपके दिमाग में केवल ये जानकारी होना उतना काफ़ी नहीं है। कभी कभी आप रिक्शे के पीछे देखते हैं लिखा हुआ है भगवान प्रेम है, गॉड इज़ लव। बाइबल कहती है कि सिर्फ ये जानकारी काफ़ी नहीं है, बल्कि आप इस बात पर विश्वास भी करें। विश्वास करें कि ईश्वर आपसे प्यार करते हैं। यदि आप वास्तव में मानते हैं कि ईश्वर आपसे प्यार करते हैं तो ऐसी चीज़ होती है, आपको बहुत सारे दर्द और भय से मुक्ति मिलती है। तो आइए पढ़ते हैं पवित्र शास्त्र में क्या लिखा हुआ है। यूहन्ना, पहला यूहन्ना 4:18। पहला यूहन्ना 4:18, प्रेम में भय नहीं होता वरन सिद्ध प्रेम भय को दूर करता है, क्योंकि भय से कष्ट होता है, भय से कष्ट होता है, और जो भय करता है वो प्रेम में सिद्ध नहीं हुआ है। तो जिस तरह से परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं वो एकदम सही है, वो आपसे पूरी तरह से प्रेम करते हैं। और बाइबल कहती है कि वो सिद्ध प्रेम सभी भय को दूर करती है। जब आप वास्तव में मानते हैं कि भगवान आपसे प्यार करते हैं तो ये हर दूसरे डर को ख़त्म कर देता है। तो यदि आप सब कुछ भूल जाते हैं जो आप मैंने आज कहा है तो कम से कम ये याद रखें कि भगवान मुझसे प्यार करते हैं और मुझे विश्वास है। अपने मन को इस ज्ञान से भर दें, अपने मन को इस सत्य से भर लें कि ईश्वर आपसे प्रेम करते हैं और उन पर
विश्वास करें। तो यही है मेरी दुआ। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के सुंदर वचन के लिए, और जैसा कि हमने सीखा, अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। पहला पत्रस 5 उसका 7, उसके आगे लिखा है, सचेत रहो और जागते रहो कि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसी को किसको फाड़ खाए। इसलिए हे भाइयों, जैसा हमने सुना फिलिप्पी 4:8, जो जो बातें सत्य है और जो जो बातें आदरणीय है और जो जो बातें उचित है और जो जो बातें पवित्र है और जो जो बातें सुहावनी है और जो जो बातें मन भावनी है, अर्थात जो सत्गुण और प्रशंसा परमेश्वर के महिमा के लिए उचित है, उन पर ध्यान लगाया करो। परमेश्वर प्रेम है। दुनिया में भगवान बहुत सारे हैं, लेकिन परमेश्वर ने इस धरती को सृष्टि किया और परमेश्वर का बेटा यीशु मसीह, यीशु ख्रिस्त हमारा मसीह। इसलिए परमेश्वर प्रेम है। यीशु मसीह हमारी चिंताओं को जानता है। हम प्रार्थनाओं के द्वारा हम अपनी सारी चिंता उस पर डालते हुए हम उससे प्रार्थना करते हैं और हमारी दुआओं को सुनता है, हमें आशीष से भरपूर करता है। इससे अच्छे वचन के लिए हम रूपक जी का धन्यवाद करते हैं, और इसी विश्वास के साथ और इस शांति के वचन के साथ हम आज की सभा को अंत करते हैं। और अंत में हम गीत गाते हैं, गीत नंबर 18, यीशु क्या ही प्यारा मित्र, पाप और दुख उठाने को उसकी शरण हम ले सकते, हम पर दुख का भार जब हो। आइए बोलना मत, हम सब खड़े हो जाएंगे। पाप और दुख उठाने को उसके शरण हम ले सकते, I'm
प्यारे परमेश्वर, एक बार फिर शुक्रगुजार हैं प्रभु आपकी इस आशीष के लिए, इस आशीषित माहौल के लिए, आपके वचन के लिए, वचन की सच्चाई और गहराई के लिए, प्रभु आपके संचालन के लिए। विनती है प्रभु कि हम घमंड से अकेले ना चलें, परंतु अगर आपके दुआ आपके द्वारा सिखाए जा रहे हैं तो हलियमत के रूह के साथ दूसरों के साथ सहकर्मी बनकर काम करें, ना कि घमंड में अकेले। विनती है प्रभु जहाँ दीनता है, जहाँ प्रभु की वो दीनता है और प्रभु के वो विनम्र तरीके हैं हम अपनाएंगे, तो प्रभु हम जानते हैं कि अपने जीवन में हम सफलता प्राप्त कर पाएंगे। चर्च मेंबर्स के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, हमें से कोई भी अपने आप से चलने की कोशिश ना करें, परंतु यदि परमेश्वर हमें सिखाते हैं तो परमेश्वर के द्वारा चलाए जाएँ और परमेश्वर के तरीकों पे ही चलें। सब कुछ प्रभु विश्वास, धन्यवाद और प्रशंसा के साथ यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मोर जीवन प्रभु।